दिन भर के प्रायोजक हैं शाही ग्लोबल हॉस्पिटल। साईंपुरम सिटी वन चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाने से पहले चलिए हमेशा की तरह जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। पुलिस के हत्थे चढ़े पांच शातिर लुटेरे, मोटरसाइकिल तमंचा पिस्टल सहित मोबाइल भी हुआ बरामद, किया करते थे लूट और चोरियां। 15 अगस्त को रक्षाबंधन के पहले पुलिस ने दिया लोगों को गिफ्ट, खोए हुए 30 मोबाइलों को लौटाया, सर्वलांस की मदद से मिली कामयाबी, लोगों के खिले चेहरे। एसपी ट्रैफिक ने रक्षाबंधन के पहले लड़कियों को दिया रिटर्न गिफ्ट में हेलमेट, कहा स्वयं सहित भाइयों को भी करें हेलमेट के प्रति प्रेरित। कैंट सर्किल के अंतर्गत सीओ कैंट ने एंटी रोमियो प्रभारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। पुलिस के हत्थे चढ़ा 25,000 का शातिर इनामी बदमाश, गैंगस्टर एक्ट में भी था वांछित। मोहदीपुर बिजली दफ्तर पर आयोजित हुआ पौधारोपण कार्यक्रम, मुख्य अभियंता ने किया पौधारोपण। राजघाट पुलिस की अवैध कच्ची शराब कारोबारियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। बेलीपार के घर में से निकला विशालकाय अजगर, इलाके में मची सनसनी, पकड़ने के बाद लोगों ने ली राहत की सांस। जारी है भाजपा का सदस्यता अभियान, बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं लोग हिस्सेदारी, बन रहे हैं सदस्य। और हिंदू जागरण मंच की ओर से भारत माता का किया गया पूजन, अखंड भारत संकल्प के तहत निकाली गई मोटरसाइकिल रैली। लूट और छिनैती के मामले में पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जो कि गोरखपुर के झगहा थाना क्षेत्र के ये सभी 5 निवासी हैं। इनके पास से 3 मोटरसाइकिलें, 2 मोबाइल, 1 देसी तमंचा, 1 जिंदा कारतूस और 1 पिस्टल भी बरामद हुआ है। साथ ही घटना में इन लोगों के द्वारा प्रयोग किए गए बाइक को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। ये गिरफ्तारी तरकुलहा देवी मंदिर के स्थान के पास हुई, जो कि चौरी चौरा क्षेत्र में पड़ता है। इस बात की जानकारी पुलिस लाइन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे ने दी। घटनाएं की हैं और इंस्पेक्टर चौरी चौरा ने जो है थाना झांगा का केस जो है इस मामले में खोल दिया है। आप लोगों को विदित होगा कि शराब की दुकान पे एक रात में लूट हुई थी, जिसमें जो उनके द्वारा 75,000 रुपये जाने की बात बताई गई, वास्तव में चोरी जो है 35,000 की थी, जो इनके पकड़ने में जो वो हुआ। तो उक्त घटना के अलावा इनसे 3 जो मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं जो चोरी की हैं, 2 रामपुर कारखाना देवरिया और 1 अपने क्षेत्र से झांगा से। इसके अलावा 2 मोबाइल छीनैती के बरामद हुए हैं। सभी चीज़ें रिकवर की गई हैं और ये जो असल है रिकवर हुए हैं आपके सामने ही हैं और ये कि अच्छा गुड वर्क हुआ है। इसमें एसएसपी महोदय से अनुशंसा की जाएगी कि टीम को पुरस्कृत किया जाए। पुलिस ने सर्वलांस सेल की मदद से 30 गुम हुए फोन को बरामद किया है। वहीं 15 अगस्त और रक्षाबंधन के मौके पर उनके हकदारों को लौटाकर उन्हें त्यौहार का गिफ्ट भी दिया है। पुलिस लाइन सभागार में सीओ क्राइम प्रवीण सिंह की अगुवाई में फोन को उनके हकदारों को लौटाया गया। इस दौरान गुम फोन पाकर लोगों के चेहरे खिल गए, साथ ही लोगों ने पुलिस के काम की सराहना भी की।
छोटेलाल सलमान, शिवेश कुमार द्विवेदी, शिवेश कुमार द्विवेदी। वहीं मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए सीओ क्राइम प्रवीण सिंह ने कहा कि आईजीआरएस के जरिए की गई शिकायत पर सर्विलांस सेल और क्राइम ब्रांच की टीम ने 30 गुम मोबाइल फोन को बरामद किया है। इस बारे में उन्होंने आगे बताया, गोरखपुर पुलिस की एक शानदार पहल के बराबर एक मुहिम के रूप में चल रही है, जिसे ये कप्तान साहब के निर्देशन में इस बार हम लोगों ने आज के दिन 14 अगस्त को रखा। एक प्रकार से ये राखी और स्वतंत्रता दिवस का तोहफा भी है जो हमारी टीम सर्विलांस टीम, जो क्राइम ब्रांच की सर्विलांस टीम दे रही है। इसमें जो भी मोबाइल लोगों के गुम हो रहे हैं, खो जा रहे हैं, तो उन मोबाइलों के लिए एक अलग से टीम गठित की गई है जो उन मोबाइलों को ट्रैक कर रही है, और ट्रैक करने के बाद ये प्रत्येक माह हम ऐसे लोगों को बुलवाते हैं और आपके सामने उनका फ़ोन उनको वापस करते हैं। तो ये मुहिम है और ये बराबर चलती रहेगी। आज कितने मोबाइल आप, आज तकरीबन ठीक है 30 मोबाइल थी जिसकी अरे कीमत तकरीबन 3 लाख के ऊपर थी, जो उसका ठीक मार्केट वैल्यू था, जो लोगों को आप लोग के समक्ष वापस किया गया। इसमें क्या पुलिस विभाग के भी ऐसे लोग थे जिनके मोबाइल गिर गए थे? 2 लोग थे ऐसे पुलिस के ठीक कर्मचारी थे, अन्य विभागों के भी कर्मचारी थे, आम पब्लिक थे, रिक्शा वाले थे, ये टेम्पो वाले थे। तो इस प्रकार से एक हमारा जो मोटो है, मतलब कि आम जनमानस का फ़ोन जो खो रहा है, जो हमारे पास आ रहा है, एक प्रॉपर्टी चैनल बनाया गया कप्तान साहब के निर्देशन में, और इस प्रकार से हम फोनों को ट्रैक करके लोगों तक उसको वापस पहुँचा रहे हैं। पहले भी बहनों को रक्षाबंधन के दौरान रिटर्न गिफ्ट के रूप में हेलमेट उपहार देकर दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करने वाले एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बुधवार को यातायात कार्यालय पर बहनों को हेलमेट वितरण किया। इस बार फिर से सभी दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनाने की एक प्रकार की ये चेतावनी भी है। कभी प्यार से तो कभी डांट से तो कभी कार्रवाई करके इन सभी हथकंडों से गोरखपुर के एसपी ट्रैफिक ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में खासी मेहनत की है। खासकर दोपहिया वाहन चालकों के सिर पर हेलमेट हो, इसको लेकर उन्होंने एक जंग सी छेड़ दी है। जाइए जाइए, निकल ले दीदी। इस बारे में एसपी ट्रैफिक ने बताया, रक्षाबंधन है और मेरे बहने नहीं है तो बड़ी चीज नहीं है, तो मुझे रक्षाबंधन दिन जो है बहनों की कमी होती है, उसी भावना से ओतप्रोत होते मैं हर रक्षाबंधन को, चाहे यहाँ हो चाहे कहीं भी हूँ, कुछ ना कुछ बहनों के लिए करता हूँ। उसी अनुक्रम में आज भी मैं कुछ बहनों को जो है हेलमेट प्रदान किया है। ये जिस प्रकार से राखी बांधने के बाद लोग रक्षा करने का आश्वासन लेते हैं, मेरी तरफ से रक्षाबंधन के अवसर पर उनको आश्वासन है, एक तरीके से एक साधन दिया गया कि उनका जीवन सुरक्षित रहे। कैंट सर्किल के अंतर्गत सभी एंटी रोमियो प्रभारियों के साथ सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी कैंट रोहन प्रमोद बोत्रे ने क्षेत्राधिकारी कार्यालय में बैठक कर कहा कि किसी भी लड़की या महिला के साथ कोई भी छेड़खानी करता है तो छेड़खानी करने वाले मंचले के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें सबक सिखाया जाए, ताकि आगे किसी महिला या लड़की के साथ कोई भी मंचला छेड़खानी ना कर सके। आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में मुस्तैद रहें, महिला विद्यालय के सामने निगरानी रखें। ये सारी बातें एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने इस बैठक के दौरान कही। ये बहुत लोगों को नहीं पता, आज भी वास्तविकता है
लोगों को नहीं बताया और सिर्फ वो विमेन स्पेसिफिक महिला स्पेसिफिक वो हेल्पलाइन। तो अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौट के वापस आ रहे हैं। शाही ग्लोबल हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी एडवांस लैप्रोस्कोपी एंडोस्कोपी गैस्ट्रो सर्जरी स्त्री रोग और न्यूरोलॉजी सेंटर डॉक्टर शिवशंकर शाही सर्जन गोल्ड मेडलिस्ट। हमारी विशेषताएं: दूरबीन द्वारा बिना चीरे के सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधाएं जैसे पित्त की थैली अपेंडिक्स बच्चेदानी रसौली ट्रूप प्रोटेस्ट का बिना चीरे से ऑपरेशन पेशाब की नली और पेशाब के थैली की पथरी आंत का फंसना आंत का फटना और ट्यूमर का ऑपरेशन ब्रेस्ट थायराइड हॉर्निया बवासीर हाइड्रोसील का इलाज ट्रामा सेंटर और बर्न सेंटर। हमारी सबसे बड़ी विशेषता शहर का सबसे बड़ा बेड वाला आईसीयू। तो संपर्क करें शाही ग्लोबल हॉस्पिटल निकट पूर्वांचल बैंक बुद्ध विहार कॉमर्शियल तारामंडल पुलिस चौकी के पीछे गोरखपुर। ब्रेक के बाद दिनभर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पुलिस को उस समय कामयाबी मिली जब उसने शातिर बदमाश विक्की सोनकर को गिरफ्तार किया। गैंगस्टर एक्ट में वांछित बदमाश पर एसएसपी ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। गिरफ्त में आया बदमाश काफी शातिर किस्म का है। वहीं गोरखनाथ पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए नकहा ओवरब्रिज के पास से इस शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। शातिर विक्की सोनकर पर आर्म्स एक्ट समेत आधा दर्जन मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। वहीं गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित बदमाश की पुलिस तलाश कर रही थी, जिसमें अब उस पर कामयाबी मिली है। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने बताया, पीसीआर का इनामिया है, गैंगस्टर के तहत ये वांछित चल रहे थे और इनके खिलाफ कुल मिलाकर 6 मुकदमों का आपराधिक इतिहास है। 307 के हैं, 25 आर्म्स एक्ट का है, 392,411 की रिकवरी है। तो काफ़ी दिनों से वांछित चल रहे थे, गैंगस्टर एक्ट मुकदमे के खिलाफ पंजीकृत था, 25,000 के इनामिया थे। यही पौधारोपण का कार्यक्रम अलग अलग विभागों की ओर से लगातार गोरखपुर में किया जा रहा है ताकि निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया जा सके और ये लक्ष्य लगभग पूरा हो भी चुका है। इसी के तहत मोहद्दीपुर मुख्य अभियंता कार्यालय के प्रांगण में भी पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिससे कि पर्यावरण को संतुलित किया जा सके। सर सामने देखिए, इस पौधारोपण कार्यक्रम के बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्य अभियंता देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, हम देखते थे कि हमारे माता पिता ऐसा कोई काम नहीं करते थे जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसान हो। मतलब कपड़े धोते थे तो एक बाल्टी पानी में लगभग सबके कपड़े धुल जाते थे, जल भी बचाते थे पर्यावरण भी बचाते थे, और पेड़ तो कभी काटने में किसी की रुचि नहीं रहती थी क्योंकि वो कहते थे आपने तो लगाया नहीं है तो आप क्यों काट सकते हो इसे। अच्छा, जो भी पेड़ लगाता है आने वाली पीढ़ियों के हिसाब से लगाता है। जैसे सड़क किनारे अंग्रेजों ने इतना प्लांटेशन किया था कि आदमी पैदल चलता था तो थक जाता था तो पेड़ के नीचे सुस्ता लेता था। फलदार वृक्ष लगाने से क्या है कि
पोषण जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सकता है। राजघाट पुलिस को अवैध कच्ची शराब के कारोबारियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कर 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और 70 प्लास्टिक के गैलन में 700 लीटर नाजायज शराब, प्लास्टिक के झोले में 3 किलो यूरिया खाद, 2 प्लास्टिक के झोले में 500 ग्राम नौसादर, 12 पीस बड़ा हंडा एल्युमिनियम का जो कि बना हुआ है बरामद हुआ है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता के आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी कोतवाली वीपी सिंह की अगुवाई में राजघाट पुलिस ने अवैध शराब के कारोबारियों पर ये बड़ी कार्रवाई हनुमानगढ़ी के पास स्थित बगीचे में दबिश देकर 3 शराब बनाने वालों को अपने गिरफ्त में लिया है। भैया वही काम दोबारा करना पड़ेगा। इस बारे में मीडियाकर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए सीओ कोतवाली वीपी सिंह ने बताया, अपने चौकी इंचार्ज ट्रांसपोर्ट नगर, चौकी इंचार्ज घंटाघर और अन्य पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची तो पाया कि मौके पर 40 भट्टियां जल रही थी जिन पे ड्रम लगे हुए थे, शराब उतारी जा रही थी और बहुत भारी मात्रा में शराब मौके पर मौजूद थी जिसे कब्जे में लिया गया। मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 7 लोग मौके से भागने में सफल हो गए हैं जिनका गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है और जो गिरफ्तार लोग हैं इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। पहले भी इस तरह के किसी अपराधी पकड़े गए हैं या पहली बार? अभी तक के रिकॉर्ड के अनुसार ये पता चला है कि ये पहले से भी करते रहे हैं और ये कब पकड़े गए हैं इस संबंध में इन्होंने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है। फिर भी 3 थानों से संबंधित जो भी हरबटबंधा के इर्द गिर्द थाना क्षेत्र हैं उनके थाना क्षेत्र में अभिलेखों को देखा जा रहा है और यदि उनमें आएंगे तो इनके खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में भी गैंगस्टर की सेपरेट कार्रवाई सभी अभियुक्तों के विरुद्ध करके और उनकी संपत्ति को भी सीज करने की प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। गोरखपुर के बेलीपार थाना अंतर्गत एक गाँव के एक घर में से विशालकाय अजगर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। लोग अजगर को देखने के लिए दूर दराज इलाकों से इकट्ठा होने लगे जिसमें डर के साथ साथ आश्चर्य भी उनकी आंखों में तैरता साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। घर में से निकले इस अजगर को आखिरकार पकड़ लिया गया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। गोरखपुर में लगातार भाजपा का सदस्यता अभियान बदस्तूर जारी है जिसमें हजारों की तादाद में लोग बीजेपी में शामिल होते दिख रहे हैं। इसी के तहत एक सदस्यता अभियान विश्वविद्यालय गेट पर भी आयोजित किया गया जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी ली। चेहरा कट जा रहा है भैया, जो खड़े रहेंगे। इस बारे में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में सदस्यता अभियान चला रही है। आज उसी सदस्यता अभियान के क्रम में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा यहाँ पंत पार्क पर ये सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। ओपन टू ऑल, सभी लोग सदस्य बने भारतीय जनता पार्टी के, सभी लोग जुड़े हैं। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में अभियान चला रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर नए 48 लाख से अधिक सदस्य अभी तक बन चुके हैं। गोरखपुर क्षेत्र में लगभग पौने 9 लाख के आसपास हमारे 11 जनपदों में सदस्यता हो चुकी है
गोरखपुर महानगर में भी लगभग 50,000 के आसपास सदस्य बन चुके हैं। उसी अभियान के तहत आज यहाँ युवा मोर्चा के नेतृत्व में द्वारा यहाँ भारतीय जनता पार्टी यहाँ सदस्यता अभियान चला रही है। अखंड भारत संकल्प के तहत हिंदू जागरण मंच की ओर से विश्वविद्यालय के सामने स्थित पंथ पार्क में एक भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन के दौरान मंच के सदस्यों ने भारत माँ की आरती उतारी और विधिवत पूजन कर भारत माता का जय घोष किया। इसके साथ ही एक मोटरसाइकिल जुलूस की शक्ल में लोगों को अखंड भारत संकल्प के तहत महानगर के अलग अलग इलाकों में यात्रा की। इस दौरान मीडियाकर्मियों से बात करते हुए हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष राजाराम त्रिपाठी ने बताया, अखंड भारत संकल्प दिवस है। अखंड भारत वो भारत जो प्राचीन भारत था, जो कभी ईरान इराक तक हुआ करता था और आज देश सिमट के जिन सीमाओं के भीतर रह गया है, उसकी दुश्वारियों पर विचार करने का दिन है कि हमने अपने उन भूभागों को जिनको खो दिया है प्राचीन काल में, हम उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उस दर्द को कैसे याद कर सकते हैं। कल हमारा नया संविधान बना था और कल हम पूरी तरह से बट गए थे। इस दर्द को याद करते हुए अखंड भारत की सपना को साकार करने के लिए हम संकल्प दिवस मनाते हैं, क्योंकि भारत माता की मूर्ति खंडित है और हिंदू धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। और जब तक माता का अभंग स्वरूप फिर से प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक हम ये संघर्ष जारी रखेंगे। आपने देखा होगा धारा 370 हटा के कश्मीर का पूर्ण विलय भारत में, भारत माता का एक संपूर्ण श्रृंगार है और अखंड भारत की ओर बढ़ते ये हमारे कदम है, इसका ये प्रमाण है। तो दिन भर के इस बुलेटिन में बस आज के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन का कीजिए इंतजार, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए सिटी वन चैनल। साईं प्रणाम।